वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू मॉम्स रेसिपी क्या हाल है आप सब लोगों का आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन चीज़ कॉर्स और बहुत मज़े के जैसे देखने में बहुत मज़े का एक टेम्पटिंग सी लुक आ रही है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट भी लाजवाब है बिल्कुल डिफरेंट से अंदाज़ में हम आज कॉर्नस बनाएंगे लेकिन किस तरह बनाएंगे ये मैं आप लोगों को बहुत मज़े मज़े की बेकिंग की वीडियोज़ में ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ क्वान्टीज़ क्या क्या चाहिए होंगे क्या इन्ग्रीडियंट्स है वो आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहे हैं सोसे से बना सकते हैं चिकन क्यूब्स में अगर आपके पास अवेलेबल है तो उससे भी बना सकते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं बिसम रन रही सबसे पहले हमने एक बोल ले लेना है नीम गरम दूध मैंने एक कप लिया है 250 ग्राम के ग्राम्स ग्राम्स में बताऊं तो फिर उसके बाद वन टी हम चीनी डाल देंगे दो से तीन पिंच हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे वन टी हम इसमें खमीर ऐड कर रहे हैं और फिर एक अंडा जो कि रूम टेम्परेचर पर आपने पहले से रख लेना है फ्रिज से थोड़ी देर निकाल के रख दें नॉर्मल से तकरीबन दस से पंद्रह मिनट में अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाता है अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे नीम गरम दूध है इतना गरम होना चाहिए कि आप आराम से इन सब चीज़ों को मिक्सअप कर लें दो कप मैंने यहाँ पे तकरीबन 500 ग्राम के इक्वलेंट मैदा लिया है आप फाइन आटा भी ले सकते हो उससे भी बहुत अच्छा बनेगा और फिर उसके बाद इसमें मैंने वन आ, कप से कम तकरीबन हाफ कप के करीब मेल्टेड बटर ले लिया मेल्टेड ले लें ले या फिर ये रूम टेम्परेचर पे है ये भी इजीली इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और डो को हम गूंद लेंगे और फिर उसके बाद आपने इस डो को तकरीबन तकरीबन फोटी टू फोर्टी फाइव मिनट्स राइस होने के लिए रख देना है रस्ट पे ठीक है ताकि ये अच्छे से फूल जाए और खमीर जो है वो एक्टिवेट हो जाए यहाँ पर और फिर उसके बाद मैं चालीस से पैंतालीस मिनट के लिए रख दूँगी मीन वाइल हम क्या करेंगे हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेंगे मैंने सॉसेज इसको बिल्कुल चॉप कर लिया है थोड़ा सा धनिया काले मिर्च नमक और मायोनीज़ डालना है आपने इसमें ठीक है मायोनीस तकरीबन दो टेबलस्पून है अगर आप चिकन ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा लेकिन दो से तीन टेबलस्पून बहुत होंगे क्योंकि अभी हम इसके अंदर चीज़ भी ऐड करेंगे ठीक है मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर सॉल्ट मायोनीज थोड़ा सा हरा धनिया और चिकन क्यूब्स अगर आपके पास हैं तो थोड़ा सा मक्खन डाल के रोस्ट कर ले अदरवाइज़ आपके पास सॉसेज हैं तो आप ऐसे बिल्कुल छोटी छोटी सी काट के इसका स्टफिंग रेडी कर लेंगे ठीक है इसके बाद मैंने इसमें चीज़ डाल दिया है ये भी तकरीबन हाफ कप है जो मैंने इसके अंदर चीज़ को ऐड किया है और अच्छी सी स्टफिंग हो चुकी है हमारे लिए चिकन कॉर्न के लिए जो कि आज हम बेक करने लगे हैं अब जनाब 45 मिनट्स के बाद जो डो है वो डबल हो चुकी हुई है बहुत अच्छे से राइज अप हो गई है और फिर हम इसको काउंटर पर डालेंगे थोड़ा सा नीट करेंगे तीन से चार मिनट और इसको डिवाइड कर लेंगे पोर्शंस में तकरीबन हमारे पास यहाँ पे ट्वेल्व टेन टू ट्वेल्व जो हैं वो बॉल्स बन जाएंगे ठीक है और मैं इनको बिल्कुल जस्ट लाइक रोल अप कर रही हूँ सरफेस पे कर लें हाथ से कर लें जैसे आपके लिए इजी होता है और इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा देन उसके बाद जब हमने रेस से हटाया तो हम इसके जो इसके जो पेड़े हैं या जो हमारे पास इसको फ्लैट करना है मैं थोड़ा सा हाथ से करना चाहें हाथ से कर लें रोलिंग पिन से करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से इसको बेल सकते हो थोड़ा सा रोल अप कर लें इसको स्प्रेड करना है हमने और फिर हमने एक सेंटर से इसके एक कट लगाना है आपके पास नाइफ़ है आपके पास पिज़्ज़ा कटर है आपके पास कोई भी कटर अवेलेबल है आपने सेंटर से इसको कट लगाना है थोड़ी सी स्टफिंग रखनी है और चीज़ को हमने ऐसे इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते जाएंगे और पूरा रोल अप घुमाते जाएंगे और ये सारा का सारा रोल हो गया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जैसे आप अभी देख रहे हो और बस जनाब देखें देखने में कितना ऐसे डिफ़िकल्ट लग रहा था और बनाने में ये बहुत आसान है तो आपने डेफिनेटली ट्राई करना है मुझसे अपनी रेसिपी क फीडबैक लाजमी शेयर करना है बहुत अच्छा बनेगा ये अब मैं एक, एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ मैंने एक पेड़ा लेके उसको रोल कर लिया सेंटर से कट लगाया स्टफिंग रखा और फिर उसके बाद चीज़ का एक स्लाइस क्योंकि चीज़ ही थोड़ा सा अच्छा लगेगा मज़े का लगेगा सब चीज़ का फ्लेवर अगर पसंद करते हैं ज़्यादा पसंद करते हैं और भी ऐड कर सकते हैं आप ठीक है फिर उसको एक साइड से हम टर्न करना शुरू करेंगे जैसे जैसे जो हमारा आ, फ्लैट हुआ वा आ, डो है उसके ऊपर हम रोल अप करते जाएंगे जिस साइड पे वो रोल अप हो रहा है आप उसे रोल अप करें और लास्ट से इसके एजेस को बंद कर दें और ये हमारे पास एक कौन प्यारी सी रेडी हो चुकी हुई है मैंने वन बाय वन सारी कॉन्स को रेडी कर लिया अभी यहाँ पे मेरे पास जो पिज़्ज़ा जो ट्रे है वो छोटी है अगर आपके पास बड़ी है तो आप एक बार में सारी लगा सकते हैं ठीक है दो से तीन मिनट रेस्ट के बाद मैंने इसको जब हटाया तो हमने इसको एग वॉश करना है सिंपली एग योक ले लिया और उसके उसमें दूध में थोड़ा सा मिक्सअप कर लिया और अच्छे से पहले आप एग योक को और मिल्क को मिक्सअप कर लें और जब ये बिल्कुल मिक्सअप हो जाए तो एग वॉश कर दें आप अपने सारे के सारी कॉर्नस के ऊपर ठीक है देखिए कितना प्यारा सा कलर लग रहा है और ये वन बाय वन मैंने सारे के सारे एग योग को आ, एग वॉश कर दिया सॉरी एग योग से अपनी कॉन्स को अभी मैं इसके ऊपर ब्लैक जो तिल होते हैं या कलौंजी आप कोई भी चीज़ ले लें जो आपको टेस्ट पसंद है अगर कलौंजी का टेस्ट आपको ज़्यादा स्ट्रॉग लगता है तो तिल ले लें वाइट और फिर उसके बाद मैं इसको 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए बेक करूँगी ठीक है वैसे तो ये ट्वेंटी मिनट्स में भी हो जाएगा लेकिन टॉप ग्रिल दो से तीन मिनट में चलाऊंगी ताकि ज़बरदस्त सा कलर आ जाए और ये देखें माशा माशा कितना प्यारा कलर आया हुआ है बहुत ही सॉफ्ट बहुत यमी और पूरे किचन में आपकी इसकी मज़ेदार सी खुशबू फैली हुई होगी और ये कॉर्न पिज्ज़ा को भी कह सकते हैं हैं और हम जबरदस्त से बंस भी बना सकते हैं तो जनाब आपने ट्राई करना है मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना है देखें कितना जबरदस्त सा सॉफ्ट हमारे पास बन्स रेडी हो चुके हुए हैं आप बनाएं बच्चों को लंच में पैक करके भी दे सकते हो स्कूल में और वैसे टी टाइम में भी जबरदस्त स्नैक को आप इंजॉय कर सकते हो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जनाब अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने जानने वालों के साथ अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज